की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। मेरा नाम है साईराम, मैं उत्कल संगीत महाविद्यालय का स्टूडेंट हूँ और मेरा ड्रीम है कि स्वच्छ भारत, मैं स्वच्छ भारत में काम करता हूँ और उड़ीसा में मुझे गांधी जी के नाम से हर लोग जानते हैं। पहली बार मैं स्कूल में गांधी जी बना था। अगस्त 15, 2003 में मैं गांधी जी का एक्टिंग किया और उनका सारी पुस्तक पढ़ा और इंस्पायर इतना हुआ कि गांधी जी का रोल करते करते मैं खुद गांधी जी बन गया। गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने स्वच्छ भारत को साकार करने के लिए उड़ीसा से एक 23 वर्षीय युवा साईराम, जो स्वच्छ भारत के गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो पूरे भारत में पद यात्रा द्वारा स्वच्छता का संदेश देने का संकल्प लेके निकले हैं। उनकी यात्रा दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में आ पहुंची है, जहां उनका स्वागत उत्तर पूर्वी जिला भाजपा के अध्यक्ष अजय महावर एवं जिला स्वच्छता प्रमुख सुशील चौधरी ने किया। साईराम की यह यात्रा 26 जून 2016 को जगन्नाथपुरी उड़ीसा से शुरू होकर बंगाल, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के बाद अब दिल्ली आ पहुंची है। साईराम सामान्य घर से होते हुए भी ना किसी से चंदा लेते हैं और इस यात्रा को स्वयं के खर्चे से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम है साईराम, मैं उड़ीसा से हूं और स्वच्छ भारत गांधी जी के नाम से मुझे सारा भारत जानता है, तो इसीलिए मैं सारा भारत, जो हमारा महात्मा गांधी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत, हमारा जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो है स्वच्छ भारत, और आज मैं उड़ीसा से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, जयपुर, हरियाणा देकर, गुड़गांव देकर दिल्ली में पहुंचा हूं और हमारा सारा दिल्ली को स्वच्छ भारत को अवेयरनेस करूंगा और मैं जन आंदोलन बनाना चाहता हूं। स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जाता हूँ। इस टीवी का माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारा दिल्ली को स्वच्छ रखो, शांति रखो और हमारा भारत को स्वच्छ रखो, शांति रखो। हमारा जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनका सपनों को साकार करो और हमारा जो देश को सारा विश्व में प्रसिद्धि लाभ करो। तो मैं एक ही साथ बोलूंगा स्वच्छ दिल्ली, आप सभी बोलोगे सुंदर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली। स्वच्छता का संदेश देने के लिए सुभाष बिहार में घर घर व दुकान दुकान जाकर साईराम ने सुशील चौधरी के नेतृत्व में स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों को गंदगी ना फैलाने की प्रेरणा भी दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अजय महावर ने साईराम गांधी जी के जोश और उत्साह की सराहना की एवं सराहनीय कार्य के लिए उनका उत्साह वर्धन भी किया। स्वच्छता प्रमुख सुशील चौधरी ने कहा कि 23 वर्षीय युवा जो डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा आदमी का सपना न देखकर स्वच्छ भारत का सपना देखता है, उससे हम जैसे युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश हित में अपना योगदान देकर भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर बनाने में उनकी सहायता करें। एक 23 साल का युवा जो उड़ीसा से अपना घर बार छोड़ के, जिसे डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, जो लोगों को प्रेरित कर रहा है देश बनाने के लिए, एक नया देश बनाने के लिए, जिसे अपने करियर की चिंता नहीं है, वो अपने करियर छोड़ के, घर बार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, सबसे दूर, जिसे ये नहीं पता कि कल उसका खाना कहाँ पर होगा, कल उसके साथ क्या होगा, वो सड़कों पे निकला है, लोगों को संदेश देने के लिए निकला है। और ऐसे युवाओं को देख के आज मैं भी बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने भी काफ़ी प्रोग्राम किए, लेकिन आज जब ऐसे युवा मेरे साथ जुड़ा तो मेरा जोश 3 गुना ज़्यादा हो गया और आज मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि साईराम जैसे युवा भी हैं। तो आज जब ऐसे युवा अपने घर बार छोड़ सकते हैं, तो हम सब युवा आगे आ क्यों नहीं सकते और देश के लिए सफाई स्वच्छता क्यों नहीं कर सकते। इसी 23 साल के युवा को देख के मेरे में भी आज स्वच्छता का पूरा जोश जाग चुका है। पहले भी मैं काम कर रहा था, पर मैं इन्हें देख के अब और काम करूंगा। आगे हर जगह सफाई के लिए मैंने कसम खा ली है आज से। एक तो हिम्मत की बहुत दाद देता हूँ, जो इतनी कम उम्र में ये लोग अपने स्वार्थों में लिप्त रहते हैं, ये आज देश के लिए चिंता कर रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए ये अपने घर बार को छोड़ करके, अपने करियर को छोड़ करके और स्वच्छता के लिए निकल पड़े हैं। क्षेत्र में क्या पूरे विश्व के अंदर युवाओं का युग है और युवाओं के द्वारा ही किसी भी चीज़ को मैसेज दिया जा सकता है और बड़े कम उम्र के अंदर इन्होंने अगर ऐसा आह्वान किया है तो ज़रूर सब युवा जो है इनके साथ प्रेरित रहेंगे। साईराम अब तक पेट्रोलियम मिनिस्टर
धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से भी मिल चुके हैं और आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों से मिलने की आशा भी रखते हैं। इस जागरूकता अभियान में अर्जुन गुप्ता, विशेष महेश्वरी, आलोक महावर, दीपक जैन, अश्वनी राणा, महेंद्र सैनी, राजकुमार तोमर, दीपक पांडे आदि ने भाग लिया और उनके स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता की। संदीप कुमार, तेज निगाहें दिल्ली। स्वच्छ भारत का लोगो है गांधी जी का चश्मा। वो चश्मा मैं पहनता हूँ। वो चश्मा सिर्फ चश्मा नहीं है, वो गांधी जी का विजन है। वो विजन मैं लोगों के पास लेकर जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा देश, मेरा इंडिया कैसे स्वच्छ बने, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप सभी जुड़े और सभी स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सब स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े और मेरा भारत को कैसे स्वच्छ बनाए। तो पिला मैंने माई ड्रीम्स, माई ड्रीम, माई ड्रीम।